चलो अब ये कहता है, एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ऐसा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया, देखा गया टू डायमेंशनल मोशन में, ऐसा क्वेश्चन बार बार आया है। ये पार्टिकल मूव करता है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। अब जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स और वाई में दोनों में, मतलब एक्स भी बदल रहा वाई भी बदल रहा यार, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? चार स्टेटमेंट दे दिए गए, अब हम लोग यार चेक करना है कि विच वन इज द करेक्ट। ठीक है, तो अब क्या करेक्ट है क्या चेक करना हो तो ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन। मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर से मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा। ठीक है, और वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो चलो पहले पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ है वो है कॉस ओमेगा टी यूनिट वेक्टर एक्स प्लस साइन ओमेगा टी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी आप हाई होप कि सबको निकालने आता होगा, वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ठीक है, जब कभी भी पोजीशन वेक्टर टाइम के रिस्पेक्ट में बदलेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी। तो इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो डी वाई डी टी डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता है उसके लिए क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, साइन ओमेगा टी और ये यूनिट वेक्टर वाई कैप। ठीक है, चलो यूनिट वेक्टर को लिखते चलते हैं। अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, साथ साथ ओमेगा टी भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, चेन रूल लगेगा, डी वाई डी टी, डी वाई डी टी ओमेगा टी। मैं आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था। तो ये माइनस डी प्लस यहाँ पे साइन ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन बोलो कॉस ओमेगा टी, और साथ साथ बेटा डी वाई डी टी ओमेगा टी भी डिफरेंशिएट होगा, दैट इज वाई कैप। ठीक है, अब एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट मैं लिख दूंगा। तो माइनस ओमेगा टी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी यूनिट वेक्टर एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी यूनिट वेक्टर वाई कैप, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर। तो ये उसका टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी वेक्टर है और ये उसका टाइम डिपेंडेंट क्या है? पोजीशन वेक्टर है। क्या वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं? ये बात कैसे पता चलेगा फिजिक्स में कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं? हम क्या करते हैं, सबसे आसान जो अच्छा वाला रूल है, हम इसको डॉट प्रोडक्ट ले लें। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है दैट वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब मैं ये क्या करूँ कि आर डॉट वी ले लूँ, आर डॉट वी ले लूँ और मैं देख लूँ क्या ये जीरो के इक्वल है आर डॉट वी। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, आर डॉट वी अगर देखो कॉस ओमेगा टी है माइनस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ओमेगा कॉस का कॉस कर दूँ एक बार। अरे भाई रे भाई, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो डॉट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई का आई जे का जे, तो एक्स का एक्स, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कॉस ओमेगा टी, इधर कॉस ओमेगा टी और नीचे इधर माइनस माइनस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब वाई का वाई मल्टीप्लाई करो तो उधर है प्लस साइन और इधर है ओमेगा, तो प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी एंड दैट आल इक्वल टू जीरो, तो कट कुट के ये जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आर डॉट बी आपस में जीरो के इक्वल है, मतलब वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन। ठीक है, ये कहता है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होने के चांस है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर। बी ऑप्शन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, ये हमें पता ही नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये इसको तो मैं कभी सही मान कभी कभी मतलब कोई भी टाइम कोई भी दुनिया में सही नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल बकवास है, गलत है। तीन बच गए और तीनों को अब दोबारा चेक करते हैं। दोबारा चेक करने के लिए हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा,
और एक्सलेशन की हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। अब एक्सलेशन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो आपको सबसे आसान तरीका है एक्सलेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए। अब देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है, जो वेलोसिटी है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, चलो एक बार एक्सलेशन निकाल लेते हैं। एक बार एक्सलेशन यहाँ से एक बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा साइन का कॉस ओमेगा टी यूनिट वेक्टर एक्स कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस का साइन ओमेगा टी यूनिट वेक्टर वाई कैप। अब माइनस साइन माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बच गया कॉस ओमेगा टी एक्स कैप और प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये पोजीशन वेक्टर दैट इज एक्सलेशन वेक्टर। तो एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द पोजीशन वेक्टर। नहीं समझ में आया, इसका एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द पोजीशन वेक्टर। अब इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, इसका देखो अगर पार्टिकल समझो इसको अगर पार्टिकल पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है एक्स कैप है और साइन ओमेगा टी है दैट इज वाई कैप है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ बट आपको ठीक है कि डायरेक्टेड है एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द और पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डायरेक्टेड यहाँ ए जो है एक्सलेशन इज टुवर्ड द ओरिजिन, एक्सलेशन इज टुवर्ड द ओरिजिन क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन से मेजरमेंट है। ठीक है, और जब पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका जो एक्सलेशन है वो निगेटिव है। आप यहाँ से समझ लो, ऐसे भी समझ सकते हो, देखो x एंड y अगर इनको मैं स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी वन आ गया। अब ये जो है वो एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है भाई, जो पार्टिकल कैसे चल रहा, सर्कल में चल रहा है यार, पार्टिकल सर्कल में चल रहा है जिसकी रेडियस वन है। तो अगर सर्कल में चला तो रेडियस वन है तो हमेशा जो एक्सलेशन है वो सेंटर की तरफ ही होगा और जो वेलोसिटी है वो हमेशा जो है वो इसके जो वेलोसिटी है वो एक्सलेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सलेशन अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो वेलोसिटी है वो एक्सलेशन के परपेंडिकुलर है और एक्सलेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर सर्कल में चल रहा है यार। चलो, तो ये जो है वो अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है।